Welcome back to Creative Design. Last video में आपने पढ़ा था कि किस तरह से किसी भी entities को pattern आप करवा सकते हो और किस तरह से किसी भी object को transform आप कर सकते हो और इस video में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से आप किसी भी entities जो भी आपकी geometry है उसको delete करना हो अगर उसमें से कोई भी relations अगर आप कोई भी दो entities के बीच में अगर आप relation create करना चाहते हो या फिर किसी भी entities को अगर आप fully define करना चाहते हो तो किस तरह से आप इसको use कर सकते हो. Thank you. उसके बाद नेक्स्ट कमांड आएगा आपका डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन, रिपेयर स्केच और आएगा क्विक सेट. ठीक है, तो ये तीनों कमांड जो है वो पर्टिकुलर क्या करता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने को अगर रिलेशंस डिफाइन करने हैं किसी भी टाइप के तो उन रिलेशंस को आप डिफाइन भी कर सकते हो या रिलेशंस अगर आप डिलीट करना चाहो कोई भी तो रिलेशंस डिलीट भी कर सकते हो या पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलेशंस फुल्ली डिफाइन करना है कम्प्लीटली विद डायमेंशंस या फिर कंस्ट्रेंट के साथ तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हो. तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन के अंदर सबसे फर्स्ट डिस्प्ले ऑब्लिक डिलीट रिलेशन. ये वाली कमांड जो यूज की जाती है ये बेसिकली यूज की जाती है कि अगर आप पूरी एंटिटीज के अंदर या कोई भी ड्रॉइंग जो भी आपने बनाई है उस ड्रॉइंग के अंदर से जो रिलेशन है उनको आप डिलीट करना चाहते हो तो उसको आप यूज कर सकते हो. बेसिकली इन रिलेशन को अपन इसलिए यूज या डिलीट या शो कराते हैं ताकि क्योंकि ये अपने स्केच को मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहो तो नहीं होने देते क्योंकि एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे रिलेशन है ये क्या कर जाता है हॉरिजॉन्टल है तो अब इस लाइन के अंदर आप चेंजेस करना चाहो माना कि आपको जैसे 0 degree है यहाँ पे आपने दिया 30 degree पे आपको लेना है तो वो 30 degree उसको नहीं होने देगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन डिफाइन है. इसको चेंज करना हो तो पहले आप इसको डिलीट करोगे तब आप इसमें एडिट करना चाहोगे तो यहाँ पे एडिट होगा जैसे आपने 30 degree किया तो 30 degree मूव होगा. तो इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की लिमिट्स डिफाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है एक सीमा की पर्टिकुलर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए या इसी पर्टिकुलर वे में रहना चाहिए तो वो उसके लिए सब कुछ यूज किया जाता है. तो फर्स्ट आएगा डिस्प्ले डिलीट रिलेशन यहाँ पे जाओगे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कौन कौन सी एंटिटीज पे आप करना चाहते हो ऑल इन दिस स्केच मतलब होता है कि जितने भी इस पूरी स्केच के अंदर रिलेशन है उन सबको डिलीट करना चाहते हो या पर्टिकुलर आप डेगलिंग या सेलेक्टेड करना चाहते हो कि कोई जो लोग है वही चाहिए आपको या ब्रोकन है वही चाहिए या जो भी आप डिफाइन करना चाहो उसमें से जो और डिफाइन स्केच है वही चाहिए तो जो भी आप रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट होंगे. तो मेनली अपन ज्यादातर यूज करते हैं या तो ऑल इन स्केच जो भी इस स्केच के अंदर है वो सभी या फिर आप यूज करते हैं सेलेक्टेड स्केच जो कि आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे पर्टिकुलर इसी एरिया के रिलेट करनी है तो वो डिलीट हो जाएगी. ऑल अपन ने ये वाला यूज किया तो इस पूरी स्केच के अंदर जितने भी रिलेशन थे वो सभी रिलेशन यहाँ पे आ गए. वन बाय वन आप डिलीट करना चाहो तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो या फिर आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट कोड का ऑप्शन आता है सेलेक्ट कोड यूज करके पूरे एंटिटीज के जितने भी स्केचेस हैं या जितने भी जो रिलेशन है वो डिलीट हो जाएंगे. सेकेंड आता है एड रिलेशन. एड रिलेशन क्या करता है कि किसी भी एंटिटीज के रिलेशन को एड करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो रिलेशन मतलब हो गया जो अपने रिलेशन अभी डिलीट किए कि पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए या इससे अंदर नहीं जाना चाहिए या किस डायरेक्शन में होना चाहिए तो ये सभी रिलेशन अगर आप वापस से एड करना चाहते हो किसी भी एंटिटीज के अंदर तो उसके लिए आता है एड रिलेशन. तो एड रिलेशन में होते हैं अब जिस एंटिटीज के अंदर आपको रिलेशन अप्लाई करना है वो एंटिटीज आपको सेलेक्ट करनी है वो आप सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर मल्टीपल एंटिटीज अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो वो एंटिटीज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे सेलेक्ट किया तो जो भी एंटिटीज चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो तो जो भी एंटिटीज आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे ऑप्शन होंगे कि जितनी आप एंटिटीज सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो जो उनके अंदर अप्लाई हो सकते हैं वही रिलेशन यहाँ पे शो होंगे. तो अपने को हॉरिजॉन्टल चाहिए तो जैसे आप हॉरिजॉन्टल करोगे वो लाइन क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल. तो इस तरह से रिलेशन को एड कर सकते हो. इसी तरह से एड रिलेशन माना कि अपन ने इस सर्कल को सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ और इसी के साथ इस लाइन को सेलेक्ट किया तो इन दोनों के बीच में जो जो रिलेशन अप्लाई हो सकते हैं वो रिलेशन यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, तो फिक्स आप कर सकते हो. इसी तरह से दोनों सेलेक्ट किया अपने ये और ये तो यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है. टेंजेंट मतलब होता है ये इसके टेंजेंट होगी लाइन तो यहाँ पे लाइन टेंजेंट. इसी तरह से पर्टिकुलर अभी क्या हो रहा है ये स्केच कहीं पे भी मूव हो रहा है इसको आप फिक्स करना चाहो तो स्केच को सेलेक्ट करके यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन आता है ये रिलेशन के अंदर उसमें जाके आप इसको फिक्स कर सकते हैं. सेलेक्ट किया इसको यहाँ से फिक्स तो ये क्या हो गया अपनी जगह फिक्स अभी यहाँ से.
करके देखो यहाँ आ रहा है लिखा हुआ कैन नॉट ट्रैक सेलेक्टेड आइटम इज की। तो जब तक ये रिलेशन रहेगा तब तक ये वैलिड है। जैसे अगर आपने इस रिलेशन को डिलीट कर दिया फिर वापस से चेंजेस हो सकता है जहाँ पे भी आप मूव करना चाहते। इसी तरह से किसी भी एंड पॉइंट को किसी लाइन का माने कि मिड पॉइंट बनाना हो चाहे कोई भी एप्लीकेबल करना हो तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये रिलेशन में जाओगे जिस एंड पॉइंट को यूज़ करना है जिस लाइन के यूज़ करना इसको मिड पॉइंट बनाना है तो उसका मिड पॉइंट बनाना कॉन्सेप्ट करना है तो इसको कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कोई भी दो पॉइंट को एक साथ मर्ज करना। थर्ड ऑप्शन आता है फुल्ली डिफाइंड स्केच। फुल्ली डिफाइंड स्केच के अंदर क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि पूरी जो स्केच है वो कम्प्लीटली डिफाइंड हो जाए मतलब फुल्ली डिफाइंड तब होगी जब आपके अंदर स्केच भी आ जाए जो या कंस्ट्रेंट भी आ जाए प्लस उसकी डायमेंशनिंग भी अगर आप कर देते हो तो वो स्केच क्या कहलाती है फुल्ली डिफाइंड एंटिटीज कहलाती है। तो माना कि अपने एक एंटिटीज बनाई किसी भी टाइप की एंटिटीज आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो अभी इसमें क्या है बाय डिफॉल्ट रिलेशन आ रहे हैं माना कि अपने रिलेशन जो है इसके डिलीट कर दिए। अभी अब जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड मतलब कि अभी आप इसमें डेफिनेशन इसकी दे सकते हो क्योंकि अभी ये कहीं पे भी आप चेंजेस करोगे तो चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे फुल्ली डिफाइंड तब मानी जाती है स्केच जब उसमें अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइप का। तो यहाँ पे दो टाइप के रिलेशन होते हैं दो टाइप के डिफाइन कर सकते हो एक तो रिलेशन और एक होता है डायमेंशन। अगर यहाँ पे दोनों पे अनक्लिक है अगर यहाँ पे अनक्लिक है तो ये सिर्फ डायमेंशन शो करेगा। अगर यहाँ पे इस पे भी क्लिक है तो ये रिलेशन भी शो करेगा और डायमेंशन भी करेगा। यहाँ डायमेंशन अनक्लिक कर दे तो डायमेंशन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों पे अपन ने क्लिक किया उसके बाद यहाँ से ऑल एंटिटी में स्केच एक ही एंटिटी है या फिर सेलेक्टेड पे आप करना चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा तो उस टाइम पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी डायमेंशन होगी और कंस्टेंट होंगे वो सभी क्या हो जाएगा वो शो करा देगा अपने एक रेफरेंस पॉइंट जो इसका होता है ओरिजिन उस ओरिजिन से हर एक इक्विपमेंट हर एक लाइन या एंटिटीज की डायमेंशनिंग को शो करा देता है। तो ये क्या कहलाता है फुल्ली डिफाइंड स्केच। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया यहाँ पे आ गया फुल्ली डिफाइंड स्केच। तो ये डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। अब इसमें क्या है कि आपको पर्टिकुलर लाइन में कोई चेंजेस वगैरह नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये लाइन डिफाइंड है कि ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है या कितने इंक्लिनेशन हैं तो वो सभी चीज़ें चेंजेस करने के लिए या पूरी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए अपन ये फुली डिफाइंड स्केच या जो रिलेशन हैं वो यूज़ करें।